प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हमारी मदद करना प्रभु जी। जब आपका वचन यहाँ पे बोला जाता है, समझाया जाता है, आपके वचन की, आपके राज्य की, आपकी बातों की जब चर्चा की जाती है, उसकी शक्ति काम करने पाए प्रभु हमारे दिलों में। प्रभु हर एक रुकावट वाली बात को, हर एक प्रभु जी रोकने वाली बात को, हर एक मन भटकाने वाली बात को इस स्थान से और हमारे मनों से दूर करें और हमारा ध्यान आपके वचन पे लगने पाए। प्रभु ये समय पूरी तरह से आपके आपके सामने हम सरेंडर करते हैं और आपकी इच्छा को मांग लेते हैं। हम पर दया कर, तेरा वचन प्रकाशित हो और लोगों के मन को हालेलुया परिवर्तन का संदेश मिलने पाए और परिवर्तन की ताकत मिलने पाए। परमेश्वर आप दया करें प्रभु, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हमारे देश में बड़ा रंगीन और बहुत बड़ा अच्छा वातावरण बन जाता है त्योहारों के हिसाब से। हम जानते हैं कि त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है, अलग 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 त्यौहार जो है वो हमारे देश में अब मनाए जाएंगे। इस समय एक और एक त्यौहार है जो बहुत जल्दी या तो आ चुका है या आने वाला है, वो है धनतेरस का त्यौहार। जानते हैं आप धनतेरस का त्यौहार? जानते हैं जिसमें लोग धन, उस दिन लगता है कि उस दिन धन खरीदना चाहिए। तो मेरे को लगा कि आज धन की बात करनी चाहिए। त्योहारों का मौसम है और इस वचन से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि सच्चा धन क्या है। क्या है सच्चा धन? धन के लिए इंसान बहुत कुछ करता है, धन की कामना इंसान करता है, लेकिन परमेश्वर का वचन किस चीज़ को धन कहता है, हम इस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं एक बात आपको शुरू में बता देना चाहता हूँ कि हमारी कीमत या हमारा मूल्य या हमारी इज्जत इस बात से बिल्कुल नहीं जुड़ी हुई है कि हमारे पास पैसा कितना है। हालेलुया। हमारी इज्जत, हमारा मूल्य, हमारी कीमत, हम कौन है, हमारी वर्थ, हमारी पहचान, इस चीज का कोई भी ताल्लुक पैसों से नहीं है कि हमारे पास कितने पैसे हैं। अगर हमारे पास ज्यादा पैसे हैं तो क्या हम ज्यादा धन्य हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हमारी गरीबी में भी, अगर हमारे पास कम पैसे हैं तो भी, अगर हमारे पास कम सामान है, कम चीजें हैं, तो भी यदि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है तो हम धनवान हैं। हालेलुया। सच्चा धन जो है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध होना सच्चा धन है। परमेश्वर का राज्य सच्चा धन है। हालेलुया। हमारे जो शरीर है ना, इसका जो मूल्य है, कुछ हमारा शरीर कुछ भी नहीं है। ये सही बात है कि हम मिट्टी हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। आज सुबह की न्यूज़ में एक बड़ी विचित्र बात मैंने पढ़ी। आमतौर पे हमारे देश में हमारे जो हिंदू भाई लोग हैं, या इवन हमारी भी बात करें, लेकिन मैं जिस जो लोग मृत्यु होने पर शरीर को जला देते हैं, तो किसके साथ जलाते हैं? जलाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो लकड़ी और इंसान की वो जो लाश है उसको जला दिया जाता है। आज सुबह न्यूज़ में आया कि कुछ लोग इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि लकड़ी भी क्यों बर्बाद की जाए, इंसान का शरीर जलाने के लिए लकड़ी भी क्यों बर्बाद की जाए। तो वो क्या बोलते हैं आप जानते हैं, वो जो पाथी होती है, गोबर, गोबर के थुपले, जो भी आप समझ गए ना, मतलब गोबर को जो गोल गोल बना के सुखा के जो होता है, उसके साथ मनुष्य के शरीर को जलाने की बात की जा रही है एनवायरमेंट बचाने के लिए। मेरे मन में आया कि इंसान के शरीर की आप कीमत देखो। जिस शरीर को हम इतना ज्यादा सब कुछ समझते हैं, अपने आप को बहुत हम सुंदर समझते हैं, अपने आप को सजाने के लिए क्या कुछ करते हैं, लेकिन जिस पल श्वास निकल जाते हैं, हम इस लायक हैं कि हम गोबर के साथ मिला करके हमें जला दिया जाए। यह है मनुष्य का शरीर। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु को कि आपके और मेरे शरीर की आज कीमत है, क्योंकि जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। लेकिन जब हम चले जाएंगे, जब हमारी आत्मा हमसे निकल के जहां जाना है वहां चली जाएगी, तो ये शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। तो हम संसारिक चीजों को, शारीरिक चीजों को कितना महत्व देते हैं, कभी कभी सोचने की बात है कि क्या है हमारा शरीर। किसी भी मनुष्य को हम कितना भी प्रेम कर लें, लेकिन उसका देहांत हो जाने पर उसे मिट्टी के हवाले हमें करना पड़ता है। संसार हमें अपने पीछे लगाना चाहता है,
लेकिन सच्चा धन जो है वो परमेश्वर को जानने में ही है। हालेलुया। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने अपने कंपटीशन में अगर किसी भगवान को देखा तो वो भगवान कोई देवी देवता नहीं था। एक भगवान है जिस भगवान को यीशु मसीह अपने कंपटीशन में देखता है, एक भगवान है जिसको प्रभु यीशु मसीह ने, जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा कि तुम या तो उस भगवान को चुन लो या मुझे चुन लो। वो भगवान जिसको हम भगवान कहते हैं, उन भगवानों की तो यीशु मसीह बिल्कुल परवाह नहीं करता, क्योंकि यीशु जानता है कि वो कुछ नहीं है। लेकिन एक भगवान है जिसके बारे में यीशु को मालूम है कि ये भगवान लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है और मुझसे दूर कर देता है। वो भगवान कौन सा है? यीशु ने कहा कि तुम धन और मैं दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। धन दौलत पैसा संसारिक चीजें, तुम्हें दोनों में से एक की पूजा करनी पड़ेगी। यीशु ने कहा कि तुम दोनों की पूजा नहीं कर सकते हो। इसलिए हम धन के पीछे इतना भागते हैं, दुनिया पागल है धन के पीछे। थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए इंसान क्या नहीं करता। हम सब भी अपनी जिंदगी में आर्थिक रूप से उन्नति पाना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी कितनी बार हम हमारे बिस्तर पर लेटते हमारे मन में क्या आता है, मेरे पास कितने पैसे हैं, मैंने कितना जोड़ लिया है। और पैसों के बारे में ही सोच सोच के इंसान बहुत बार अपना समय, अपना मन की शांति, अपना परिवार तक बहुत बार नष्ट कर देते हैं। इसलिए जिसको संसार धन कहता है वो सचमुच में धन नहीं है। जिसको संसार धन कहता है सचमुच में वो धन नहीं है। अगर हम शैतान की बात करें, अगर धन कोई बहुत अच्छी पाने वाली चीज है, अगर धन दौलत पाना ही सबसे धन्य बात है और सबसे बड़ा काम है कि आप बस पैसा बहुत सारा कमा लो, तो सोचने की बात, अगर हम शैतान की बात करें, धन पाने के लिए बहुत लोग बैंक लूटते हैं। आप में से कोई ऐसा नहीं करता, लेकिन ऐसा होता है ना। ATM लोग लूट लेते हैं, चोरी करते हैं लोग धन के लिए, या तो बड़ी चोरी या छोटी छोटी चोरी भी हम अपने लेन देन में कर लेते हैं। लेकिन अगर धन ही सबसे बड़ी पाने वाली चीज है तो शैतान बिल्कुल भी धन के पीछे नहीं जाता। उल्टा शैतान क्या करता है, संसार को धन दौलत दिखाता है, फेंकता है संसार के सामने। यीशु मसीह के सामने भी शैतान ने धन को फेंका था। जब यीशु मसीह 40 दिन के उपवास में था, क्या कहा शैतान ने, अगर तू मुझे प्रणाम करे तो ये संसार की सारी शानो शौकत मैं तुझे दे दूंगा। शैतान धन को पाना नहीं चाहता, शैतान धन को हमारे सामने फेंक फेंक कर हमें प्रभु से दूर करना चाहता है। शैतान चोर है, लेकिन वो धन दौलत की चोरी नहीं करता। पता क्यों? क्योंकि वो समझदार है, उसको मालूम है, शैतान अच्छे से जानता है कि धन कुछ भी उसके लाभ का नहीं है। शैतान जानता है कि धन से बड़ी चीज है एक, जिस चीज तक वो हमें पहुंचाना नहीं चाहता, जिस चीज से वो हमको दूर रखना चाहता है, वो है प्रभु का राज्य। क्यों? क्योंकि शैतान खुद परमेश्वर के राज्य से निकाला गया व्यक्ति है। शैतान परमेश्वर के राज्य के दर्शन कर चुका है, शैतान प्रभु के राज्य में रहता था। वो जानता है कि परमेश्वर का सिंहासन सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा धन परमेश्वर के पास होना ही है, शैतान जानता है। लेकिन क्योंकि वो वहां से निकाल दिया गया, वो हम सबको भी परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर करना चाहता है। इसलिए शैतान धन दौलत के पीछे नहीं जाता, शैतान आत्माओं की चोरी करता है। धन की चोरी नहीं करता, किसकी चोरी करता है? आत्माओं की चोरी करता है, हमें चोरी करता है, हमें प्रभु से दूर रखना चाहता है। और यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम्हें एक ही चीज दूर कर सकती है मुझसे, जो और जो भगवान है, देवी देवता हैं, वो तो जो हैं सो हैं, लेकिन एक चीज है जिसके अंदर बड़ी ताकत है आपको नष्ट करने के लिए, और वो है जब आपका दिल गहराइयों से जब धन के पीछे भागता है तो आपको प्रभु से दूर कर देता है। इसलिए जिसको संसार धन कहता है वो धन नहीं है। लेकिन फिर भी एक प्रकार का धनवान प्रभु हमें बनाना चाहता है, प्रभु हमें रिच बनाना चाहता है, वो हमें धनवान धनी बनाना चाहता है। पर वो धन है क्या? अगर कैश पैसा, अगर रुपया वो चीज नहीं है जिस जो धन सच्चा धन है, तो फिर क्या है वो धन जो हमें प्रभु देना चाहता है? दूसरा कुरिन्थियों उसके 8 और 8
सॉरी दूसरा कुरिन्थियों 8:9 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो। सब सामने देखें, सामने लिखा हुआ है, क्योंकि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो। मतलब प्रभु का अनुग्रह क्या है, अभी लिखा हुआ है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो कि धनी होते हुए भी, यीशु मसीह धनी होते हुए भी तुम्हारे लिए निर्धन बन गया, गरीब बन गया तुम्हारे लिए, कि तुम उसकी निर्धनता के द्वारा, यीशु के गरीब बन जाने के द्वारा तुम धनी बन जाओ। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह हमें धनी बनाना चाहता है। सारे बोलो यीशु मसीह, सारे बोले यीशु मसीह मुझे धनी बनाना चाहता है। बट सवाल यही उठता है कि अगर संसारिक धन जो सचमुच में धन नहीं है, तो फिर किस प्रकार का धनी वो हमें बनाना चाहता है? कुछ तो धन है जो हमको देना चाहता है। आप जानना चाहते हैं वो धन क्या है? जानना चाहते हैं आप? जब वचन कहता है कि वो तुमको धनी बनाना चाहता है, तो फिर वो धन क्या है, किस प्रकार वो हमें धनी बनाना चाहता है, आज मैं उस विषय पर आप लोगों से बात करना चाहता हूं। हालेलुया। और उस धन के बारे में, हालेलुया, उस धन के बारे में मत्ती 13:44 में लिखा हुआ है। यदि आप सबने खोला हुआ ना, ओके, सब लोग मिलके पढ़ें। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। मतलब प्रभु यीशु मसीह के मुताबिक वो धन जो हमें प्रभु देना चाहता है, वो धन जिसके द्वारा, जिसको भरपूरी से हमको देने के द्वारा जो यीशु हमें धनी बनाना चाहता है, वो धन क्या है, वो धन क्या है? स्वर्ग का राज्य। हालेलुया। कईयों को बोरिंग लग रहा है यार, खोदा पहाड़ निकली चुही, ऐसा लग रहा है आप लोगों को? यही अभी आप लोग समझेंगे किस प्रकार परमेश्वर का राज्य ही हमारे लिए धनवान होने वाली बात है। अगर हम प्रभु के राज्य में नहीं है, सब मेरी बात को ध्यान से सुने, इफ यू आर नॉट इन द किंगडम ऑफ हेवन, अगर आप परमेश्वर के राज्य में नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पे तो आप हैं। बाइबल बताती है केवल दो तरह के राज्य हैं, एक है परमेश्वर का राज्य, एक है ज्योति का राज्य, एक है शैतान का राज्य, जिसे हम कहते हैं अंधकार का राज्य। तो अगर आप स्वर्ग राज के सदस्य नहीं हैं, अगर आप परमेश्वर के राज्य के सदस्य नहीं हैं, तो ऑटोमेटिकली आप शैतान के राज्य के मेंबर हैं, क्योंकि कोई और कोई तीसरी भूमि है नहीं, दो ही तरह की भूमि है, दो ही तरह के राज्य हैं, एक तो परमेश्वर का राज्य और दूसरा शैतान का राज्य। शैतान का राज्य मतलब जहां पे अंधकार है, जहां पापों की माफी नहीं है, जहां पे श्राप है, जहां पे दुख है, जहां पे आग है, जहां पे हमें कभी भी ना बुझने वाली आग है, जहां पे दांतों का पिसना, दांतों का पिसना मेरा अपना मानना है, दांतों का पीसना मतलब अपने आप से नफरत करना, क्योंकि वहां पर तो कोई और नफरत करने के लिए भी हमको नहीं मिलेगा, हम अपने आप से वहां नफरत करेंगे, क्योंकि हम जो स्वर्ग जो नरक में होंगे वो दांतों को पीसेंगे, अपने दांतों को पीसेंगे, मतलब वो अपने आप से नफरत करेंगे। इस संसार में कोई भी अपने आप से नफरत नहीं करता, इस संसार में लोगों के दुश्मन लोगों ने बना रखे हैं, लेकिन वहां पे तो दुश्मनी निभाने के लिए भी कोई दुश्मन तक हमारे लिए नहीं होगा, दोस्त और मित्र तो दूर की बात, नरक में हमारे लिए दुश्मन भी नहीं होंगे, वहां हम अपने आप से नफरत करेंगे, वहां हम अपने आप से ये नफरत करेंगे कि जब मैं धरती पर था मैंने यीशु के नाम पर विश्वास क्यों नहीं किया, जब मैं धरती पर था मैं यीशु के अनुसार और यीशु की महिमा के लिए और यीशु के रास्ते पर मैं क्यों नहीं चला, इस बात की हम नफरत करेंगे। वहां पर हमें समझ में आएगा बहुत से लोगों को कि सच्चा धन प्रभु के राज्य में जाना ही सबसे बड़ा धनवान होने की बात है। क्योंकि था एक धनी आदमी जिसको, जो संसार के मुताबिक बहुत पैसे वाला था, धनी आदमी था, लेकिन वो उसका चाल चलन, उसका जीवन का रवैया, सब कुछ उसका परमेश्वर के खिलाफ था। जब वो मर गया वो नरक में पहुंच गया और वहां वो पानी की बूंद के लिए तरस रहा है, और वहां उसको समझ में आ रहा है कि परमेश्वर का राज्य वही है जहां पे आनंद है, जहां पे भरपूरी है, जहां पे अनंत काल की खुशी है, जहां पे परमेश्वर के दर्शन है, जहां दूतों और संतों का डेरा हर वक्त लगा रहता है।
वहां पे उसको समझ में आया। तो एक प्रकार का धन है जो प्रभु हमें देना चाहता है। लिखा हुआ है कि यीशु मसीह हमें धनी बनाने के लिए खुद गरीब बन गया। सचमुच में वो गरीब बन गया, ना केवल धन दौलत में लेकिन इवन अपनी महिमा में एक तरह से वो गरीब हो गया, क्योंकि स्वर्ग में वो जानवरों के बीच में नहीं रहता था, स्वर्ग में उसका सिंहासन है, स्वर्ग में यीशु मसीह महिमा के साथ जिंदा था, स्वर्ग में अनंत काल के लिए, अनंत काल से यीशु मसीह परफेक्शन के साथ राज करता है, वहां वो बॉस है, वहां सब कुछ यीशु की मर्जी से होता है। लेकिन उस प्रकार का धन, वो शानो शौकत को यीशु ने आपको और मुझे बचाने के लिए इस धरती पे वो आ गया, हालेलुया, और उसने क्रूस पर हमारे लिए अपनी जान को दे दिया। इसलिए परमेश्वर का राज्य है जो जिसमें यदि हम हैं तो ही हम अपने आप को धनी कह सकते हैं। मैं दोबारा से कह रहा हूं, परमेश्वर का राज्य ही वो चीज है जिसके यदि आप सदस्य हैं तो आप अपने आप को धनी कह सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रभु के राज्य में नहीं हैं, प्रभु के राज्य में होने का मतलब क्या है? प्रभु के राज्य में होने का मतलब यह है जहां आप अपने पापों को मान लेते हैं, जहां आप इस बात को मान लेते हैं कि यीशु मसीह तू मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और तू स्वर्ग में विराजमान है और तू अपने भक्तों को लेने के लिए वापस आने वाला है। वहां जहां हम पश्चाताप करते हैं, अपना जीवन बदल देते हैं, अपने रास्ते बदल देते हैं, अपनी सोच बदल देते हैं, वहां जहां हम समर्पण करते हैं, जहां पे हम हमारे जीवन का राजा नहीं है, जहां पे परमेश्वर यीशु मसीह मेरे जीवन के रोज धरती पर मेरे रोज रोज के जीवन का मालिक है, हालेलुया, वो है। यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग का राज्य उस खेत के समान है, स्वर्ग का राज्य उस धन के समान है जो खेत में छुपा हुआ था। कोई हिंदी में पढ़े, स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है। हाँ। जिसे किसी मनुष्य ने पाया। हाँ। और छुपा दिया। हाँ। और उसके कारण आनंदित होकर। हाँ। उसने अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। यीशु मसीह के कहे हुए शब्द हैं, सबको समझ में आ गया? स्वर्ग का राज्य उस धन के समान है, असीम धन के समान है जो एक खेत में छुपा हुआ है। एक आदमी था, वो उस खेत में गया, उसने खोदना शुरू किया तो उसको वहां से धन मिल गया। और जैसे कि हम आप सामने देख सकते हैं, एक तस्वीर है, उसको धन मिल गया, खुशी के मारे उसने क्या किया, लिखा हुआ है खुशी के मारे, मैं आपको समझाऊंगा खुशी का मतलब क्या है, लेकिन खुशी के मारे उसने एक स्कीम लगाई। क्या किया उसने? उस धन को वापस वहीं पे छुपा दिया, वापस अपने गांव में गया और जो कुछ उसके पास चीजें थी, उसके पास 100 गज का प्लॉट था, उसके पास सोना चांदी था, उसके पास बहुत और भी हीरा, कुछ ना कुछ जो भी उसके पास था, उसने सारा कुछ बेच दिया, सारा कुछ त्याग दिया, अपना कनेक्शन उन सारी चीजों से तोड़ दिया ताकि उसके पास वो पैसा इकट्ठा हो जाए, ताकि वो वापस जाए और जिस जमीन से उसको धन मिला था, वो थोड़ा सा धन जो इसको मिला, केवल वही नहीं, वो सारा का सारा खेत खरीदना चाहता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत गहरी गहरी बातें सिर्फ एक वाक्य में आज प्रभु हमें सिखाएगा। 5 बातें हैं जो परमेश्वर के राज्य के बारे में आज हम इस एक वाक्य से जो हम सीखेंगे। सबसे पहले ये एक तस्वीर को देखिए, ये एक लड़का है, ठंडी बहुत ठंड पड़ रही है, इसके पास रहने को जगह नहीं है, इसके तन पे कपड़े नहीं है, मासूम है, लेकिन इसको कुछ समय के बाद एक घर नजर दिखाई देता है, वो घर जगमगा रहा है, वो जाता है धीरे धीरे उस घर तक पहुंच जाता है और खिड़की से देखता है कि वहां पर आग जल रही है, बाहर मौसम कैसा है बोलो, बहुत ठंडा है, उसके तन पे कपड़े हैं, उसके पास रहने को जगह है, लाचार बेघर बेसहारा। लेकिन उसने एक घर में जाके उसने खिड़की से देखने की कोशिश की, वो खिड़की तक पहुंच भी नहीं पाया, उसने कुछ पत्थर रखे और खिड़की के ऊपर से अंदर से वो झांक के देखता है, वहां पे 10-12 लोग बैठे हैं और वहां पे गरम गरम चाय और कॉफी और केक और पकौड़े और समोसे, बहुत अच्छा वहां पे पार्टी चल रही है, एकदम सबने कंबल ओढ़ रखे हैं, लोगों ने अपने पैरों पे भी कंबल डाल रखे हैं, और बच्चे वहां पे खेल रहे हैं, उनके हाथों में भी ग्लव्स डाले हुए हैं,
वहाँ पे एक औरत है और वो औरत इस बेसहारा बच्चे को देख लेती है और वो कहती कि बेटा तू भी अंदर आ जा, और वो उसको घर के अंदर बुला लेती है और उसे गर्म कपड़े पहनाती है, उसे भी वो खाने पीने को देती है, उसके पैरों पे कंबल डाल के सोफे के ऊपर उसको बिठा देती है। उस बच्चे की अब हालत कैसी होगी? परमेश्वर का राज्य ऐसा ही है। परमेश्वर के अगर हम प्रभु के साथ नहीं हैं, जहां पर प्रभु है अगर वहां पे हम नहीं हैं, तो संसारिक धन बहुत सारा होने के बावजूद हम बेसहारा, बेघर हैं, लाचार हैं। द किंगडम ऑफ गॉड इज द रिफ्यूज ऑफ द हेल्पलेस, द होमलेस एंड द पुअर। परमेश्वर का राज्य बेसहारा, बेघर और लाचार लोगों के लिए शरण स्थान है। सवाल उठता है, कौन है बेसहारा, कौन है लाचार, कौन है बेघर? जिनके जीवन में परमेश्वर नहीं है वो बेघर, बेसहारा और लाचार लोग हैं, चाहे उनके पास इस धरती का सारा धन ही क्यों ना हो। यीशु ने ऐसे नहीं कह दिया कि अगर मनुष्य सारे संसार को जीत ले और अपनी आत्मा को खो दे तो उसे क्या लाभ। इसलिए संसारिक वस्तुएं, संसारिक चीजें अगर आपके पास हैं भी तो आप उसे सब कुछ ना समझें। अगर आपके पास संसारिक चीजों की इंजॉयमेंट आप कर सकते हैं तो वचन में लिखा हुआ है कि वो स्वयं हमें सब चीजें इंजॉय करने के लिए देता है। हालेलुया। लेकिन जिनके पास संसार की सारी वस्तुएं नहीं होती, मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने खुद उनके जीवन में खुशी को देखा है, क्योंकि खुशी पैसों से और चीजों से नहीं आती है। मेरा मन कर रहा है मैं दोबारा आपको बोलूं, आनंद और खुशी संसारिक चीजें होने से नहीं आती हैं। आपकी खुशी इस बात से नहीं जुड़ी हुई कि आपके पास क्या है और आपके पास क्या नहीं है। लेकिन बिना परमेश्वर के हम बेसहारा हैं, बेघर हैं। परमेश्वर के राज्य में होने का मतलब वहां जहां परमेश्वर है, वहां जहां आनंद की भरपूरी है, वहां जहां परमेश्वर ना केवल हमारा नाम लेके हमें पुकारता है लेकिन हमें बेटा और बेटी कह के पुकारता है। हालेलुया। वहां जहां वो कहता है कि तुम मुझे पापा बोल सकते हो, तुम मुझे पिता कह के पुकार सकते हो, वहां जहां पर वो हमारे पापों की गिनती नहीं रखता, वहां जहां पे हमारे गुनाह को वो क्षमा कर देता है। इसलिए अगर परमेश्वर आपके जीवन में है तो आप धनवान हैं। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपके जीवन में है तो आप धनवान हैं, आप धनी हैं, फिर चाहे आपके पास संसार की चीजें ना भी हों तो भी आप परमेश्वर की नजर में, सही मायने में आप धनवान हैं। सो यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि द किंगडम ऑफ गॉड इज लाइक अ ट्रेजर दैट इज हिडन इन अ फील्ड। परमेश्वर का राज्य उस धन के समान है जो एक खेत में छुपा हुआ है। पांच बातें फटाफट मैं आपको सिखाना चाहता हूं। पहली बात, परमेश्वर का राज्य असीम धन है। हालेलुया। मेरे पीछे आप बोल सकते हैं, परमेश्वर का राज्य एक असीम धन है। छोटी मोटी बात नहीं है क्रिश्चियन होना। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप मसीही हैं ये छोटी मोटी बात नहीं है। आप धनवान हैं क्योंकि आपके पास धन है, आपके पास स्वर्ग राज का ज्ञान है। इसलिए आप कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। द मोमेंट यू बिकम अ क्रिश्चियन यू आर अ ग्रेट पर्सन। आप महान हैं क्योंकि ये एक महान बात है कि आप स्वर्ग राज के सदस्य हैं। छोटी मोटी बात नहीं है अगर आप यीशु मसीह को जानते हो, क्योंकि आपके पास जिंदा खुदा का ज्ञान है। वचन में यरमाया में लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा है कि धनवान अपने धन पे गर्व ना करे और जो बलवान है अपने बल पे गर्व ना करे। अगर तुम्हें गर्व करना है इस बात पे गर्व करो कि तुम मुझे जानते हो। इसलिए ये छोटी मोटी बात नहीं है। अगर आप स्वर्ग राज के सदस्य हैं तो आप सचमुच में धनवान हैं। द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य एक ट्रेजर है। वो क्यों ट्रेजर है? क्योंकि वो कॉस्टली है। कॉस्टली मतलब ये एक महंगी चीज है, अमूल्य चीज है। अगर आप 45 वचन पढ़ेंगे, सब लोग पढ़ सकते हैं अगले अपनी बाइबल में, अब 44 में है, 45 सब जोर से पढ़ें। माइक में पढ़ना। फिर स्वर्ग का राज्य सच्चे मोतियों को खोजने वाले एक व्यापारी के समान है। फाइन पर्ल्स, खूबसूरत और असली मोतियों की तरह है। आप मुझे बताइए, मोती छोटी मोटी बात है या बड़ी बात है?
ये एक कॉस्टली है, परमेश्वर का राज्य कॉस्टली है, ये मामूली बात नहीं है। दूसरा, उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। वैल्यू क्यों है? परमेश्वर के राज्य की बातों की वैल्यू क्यों है? क्योंकि प्रभु ने कहा धरती और जो कुछ धरती में है एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन और यीशु मसीह ने कहा कि मेरा राज्य इस धरती का नहीं है, मेरा राज्य स्वर्ग का राज्य है। तभी हमारे बच्चे वो डांस करते हैं, जंग लग जाएगा, कीड़ा पड़ जाएगा, किसको? अपने लिए। धरती पे तुम धन्ना इकट्ठा करो। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि जंग लग जाएगा, कीड़ा पड़ जाएगा, चोर चोरी करके ले जाएगा। जंग लग जाएगा, कीड़ा पड़ जाएगा, चोर चोरी करके ले जाएगा। इसका मतलब धरती का धन खत्म होने वाला है, धरती का धन खत्म होने वाला है। धरती का धन हमेशा चोरी होने के खतरे में रहता है, धरती का धन हमेशा के लिए नहीं बना रहेगा। लेकिन अगर आप स्वर्ग राज के सदस्य हैं तो आप सबसे बड़े धनी व्यक्ति हैं। धरती का धन हमारे लिए ज्यादा, हमारे लिए लाभदायक क्यों नहीं है? क्योंकि जेफनाया की किताब उसके 1:18 में लिखा है, जेफनाया की किताब उसके 1:18 में लिखा है कि जब न्याय का दिन आएगा, व्हेन द डे ऑफ जजमेंट विल कम, व्हेन द डे ऑफ रैथ विल कम, जब न्याय का दिन आएगा, जब परमेश्वर सबका न्याय करेगा, तो बाइबल में लिखा हुआ है लोगों का सोना और चांदी उनको नहीं बचा पाएगा। इसका मतलब न्याय का दिन तो आना ही है। परमेश्वर इस दुनिया को नष्ट करेगा करेगा, परमेश्वर जीवितों और मृतकों का न्याय करेगा करेगा, परमेश्वर इस धरती पर रहने वाले सारे लोगों का, सारी जातियों के लोगों का, सारे धर्मों के लोगों का, हमारा यीशु मसीह फैसला करने जा रहा है। लेकिन उस समय लोगों का धन उनके काम नहीं आएगा। आज बहुत से लोग हैं जो ऐसी सोच रखते हैं, अगर मैं चर्च में ज्यादा पैसा दूंगा, या अगर मैं किसी धार्मिक स्थल पे जाके, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, अगर मैं वहां पे जाके धन चढ़ाऊंगा तो परमेश्वर मुझसे प्रसन्न हो जाएगा। परमेश्वर आपके धन दौलत से प्रसन्न नहीं होता। बाइबल बताती है आपके दिल में प्रभु के ऊपर विश्वास है या नहीं। बिना विश्वास के कोई खुदा को प्रसन्न नहीं कर सकता। क्या आपके दिल में विश्वास है? क्या आप सच्चे खुदा पे विश्वास करते हो? क्या आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हो? लेकिन न्याय के दिन में ये बातें पढ़ें, क्या लिखा है? ज़ेफ़नायाह 1:18, यहोवा के क्रोध के दिन, यहोवा के क्रोध के दिन मतलब न्याय के दिन, क्रोध के दिन, उनकी चांदी और उनका सोना उन्हें न बचा सकेगा, उनकी चांदी उनका सोना उनको नहीं बचा सकेगा। उसकी जलन की अग्नि में सारी पृथ्वी पूर्णतः भस्म हो जाएगी, उसकी जलन की अग्नि में सारी धरती भस्म हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पीछे बोले परमेश्वर का राज्य असीम धन है। दूसरी बात जो यीशु मसीह ने सिखाई वो ये है, सामने देखें, परमेश्वर का राज्य छिपा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग का राज्य छिपा हुआ है। आप कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को यीशु मसीह के बारे में बताया, उनको समझ में ना आया हो? कभी ऐसा हुआ है? आपने यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ बताया कि वो सृष्टि करता है, वो क्रूस पे हमारे लिए मारा गया, ये सारी बातें आपने उनको बताया, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उनको ये बातें छुई नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा इन बातों से। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? ये क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा है कि वही सुसमाचार जो हमारी आंखों से आंसू निकाल देता है, वही सुसमाचार दूसरों को बिल्कुल भी इंप्रेस करने वाला संदेश नहीं लगता? क्यों ऐसा है? क्योंकि स्वर्ग का राज्य छिपा हुआ है। ये वही देख सकते हैं जिनकी आंखें प्रभु खोल देता है। देखिए क्या लिखा है वचन में, दूसरा कुरिन्थियों, आप मत खोलिए लेकिन आप लिख सकते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 5:4, हाँ 4:4, उन अविश्वासियों की बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया। अविश्वासियों की बुद्धि को, जो विश्वास नहीं करते, अविश्वासियों की बुद्धि को इस संसार का जो देवता है अर्थात शैतान, उसने क्या कर रखा है? अंधा कर दिया है कि वे परमेश्वर के प्रतिरूप अर्थात मसीह के तेजों में सुसमाचार की ज्योति को न देख सके। छुपा हुआ है स्वर्ग का राज्य, छुपा हुआ है, सारे समझ नहीं सकते।
ना ही सारे समझेंगे, ना ही सारे खोजेंगे और ना ही सारे पाएंगे। इसलिए आप धनवान हैं क्योंकि दुनिया में जितनी भी आबादी है उस आबादी का 100% स्वर्ग में नहीं होगा। प्रभु जानता है वो कितना परसेंटेज होगा, लेकिन यीशु ने इतना तो कहा कि चौड़ा है वो रास्ता जो नरक की ओर जाता है, लेकिन बहुत ही संकरा है वो मार्ग जो स्वर्ग की ओर जाता है। स्वर्ग का राज्य छुपा हुआ है, सारे समझ नहीं पाते, ये सिर्फ प्रभु समझता है कि किस प्रकार प्रभु ने हमें चुना है, क्यों हमें चुना है, इसका उत्तर ढूंढने पर भी हमको नहीं मिलता। हम एक ही बात कह सकते हैं, प्रभु ने मुझे इसलिए चुना क्योंकि यह प्रभु को अच्छा लगा। सिर्फ एक बात, उसको भाया कि वो मुझे चुन ले। स्वर्ग का राज्य छुपा हुआ है, मेरे पीछे बोले स्वर्ग का राज्य छुपा हुआ है। इब्रानियों उसके 11 को खोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन इब्रानियों 11:6 में लिखा हुआ है कि जो उसे सचमुच में खोजते हैं वो उसे पा लेते हैं। हालेलुया। हमारे बीच में एक ऐसी बहन बैठी है, मैं उनके बारे में आपको नाम लेके नहीं बताऊंगा, लेकिन हमारे बीच में एक ऐसी बहन बैठी है जो आज से 3 महीने पहले सत्संग में आई। जब वो बहन 3 महीने पहले सत्संग में आई तो उस बहन के वो बिल्कुल वहां पीछे बैठी हुई थी वो बहन। उस दिन जब सत्संग खत्म हुआ तो मुझे चर्च के लोगों ने, उनके पास 2-3 लोग मुझे लेके गए और कहा कि इस बहन के लिए प्रार्थना करो। वो बहन को बहुत बुरे तरीके से दुष्ट आत्मा ने बहुत सालों से जकड़ा हुआ था। जब मैंने उस बहन के चेहरे को देखा, मुझे उस बहन के चेहरे पर चेहरा नहीं, एक कठोरता और एक पत्थर, एक अंधकार। उसकी अगर मैं बेस्ट तस्वीर बताऊं तो मुझे उनके चेहरे पर मोटी मोटी रस्सियां ऐसी मुझे दिखी, मोटी मोटी रस्सियां, जकड़ा हुआपन, बंधा हुआ, इस प्रकार का मुझे महसूस हुआ। उस दिन वो पहली बार सत्संग में आई थी, लोगों ने कहा इसकी दुष्ट आत्मा भगाते। मैंने बोला आज नहीं करेंगे, इस बहन को चर्च आने दो, वचन सुनने दो, सत्संग के माहौल में बैठने दो, दिन आएगा जब प्रभु छुटकारा देगा। उस दिन मैंने उन लोगों से कहा कि इसके सर के ऊपर हाथ रख के भी प्रार्थना मत करना, सिर्फ इस बहन के लिए प्रार्थना करना। लेकिन इस बहन के ऊपर बहुत बहुत ज्यादा शैतान का बहुत ज्यादा जकड़ाव है। मैंने उस दिन सुझाव दिया कि इनके लिए इनको चर्च आने दो। उसके लगभग 2 महीने के बाद उस बहन के जो परिजन थे उन्होंने मुझे कहा कि भैया उनके घर चलना है, अपने को उनके घर से मूर्तियां निकलवानी हैं। तो हमारे चर्च के कुछ सेवादार लोग गए उनके घर में, उनके घर से सारी मूर्तियों को निकाल के फेंका। उस समय तक उस बहन को प्रभु बहुत छुटकारा दे चुके थे और वो बहन अभी हमारे साथ चर्च कैंप में गई थी। 3 दिन के अंदर अंदर उस बहन के चेहरे पर प्रभु का तेज हमने देखा है। कल के दिन शाम के समय प्रभु ने अद्भुत ढंग से, कल शाम के समय अद्भुत ढंग से प्रभु ने उस बहन को छू लिया। उस बहन के चेहरे पर जहां मैंने अंधकार, शैतान की पकड़, जहां मैंने जकड़ा हुआपन, जहां शैतान का पूरा डेरा और घर जिसके चेहरे पर मैंने देखा, आज उस बहन के चेहरे पर प्रभु की महिमा झलकती है। हालेलुया। ये सिर्फ हमारा परमेश्वर कर सकता है। लेकिन ये कैसे हो गया? ये इसलिए हो गया क्योंकि जब प्रभु किसी आंखों को खोल देता है तो अंधकार खत्म हो जाता है, ज्योति आके राज करने लगती है। हालेलुया। आप में से कितने लोग हैं, एक एक करके अगर मैं आपके जीवन को देखूं तो मैं यही कह सकता हूं, प्रभु क्योंकि तूने इनकी आंखों को खोला। अगर मैं अपनी बात करूं तो एक दिन, एक समय था जब मैं सोचता था कि मेरी सोच चर्च जाने वालों के लिए अच्छी सोच नहीं थी। मैं खुद चर्च का सदस्य था, एक अलग कलीसिया का मैं सदस्य था और मुझे लगता था कि जो ये कलीसियाओं के लोग हैं ये सारे भटके हुए लोग हैं। मुझे कोई कुछ भी समझ में नहीं आता था कि जिस प्रकार का संदेश वो लोग मुझे देते थे, जिस प्रकार की बातें चर्च के लोग करते थे, मैं उसकी बिल्कुल भी तारीफ नहीं करता था। लेकिन जब प्रभु ने आंखें खोल दी तो सब कुछ समझ में आ जाता है। इसलिए ये बहुत बड़ी बात है कि आप स्वर्ग राज के सदस्य हो क्योंकि प्रभु ने आपको चुन लिया, प्रभु ने आपकी आंखों को खोल दिया, उसने आपके दिल पत्थर के दिल को हटा दिया और एक मांस का हृदय आपको दिया है। हालेलुया। एक ऐसा दिल परमेश्वर ने आपको दिया है कि आप प्रभु को खोज सको और उसके सुसमाचार को आप प्रणाम कर सको, ग्रहण कर सको और यीशु को अपने जीवन का मालिक बना सको। परमेश्वर हमें चुनता है, यह बहुत अद्भुत बात है। परमेश्वर का राज्य एक धन के समान है, परमेश्वर का राज्य छिपा हुआ है। तीसरी बात, परमेश्वर का राज्य एक सोचने का विषय है और उसके बारे में हम सबको एक फैसला करना है।
सब लोग मेरी तरफ देखें। वो जो आदमी था, जब वो उस खेत में गया, उसने उस खेत में से उसने धन को पाया, यस और नो, पाया कि नहीं पाया? बाद में उसने क्या किया? वहीं पर उसने एक निर्णय लिया, उसने एक फैसला किया। क्या फैसला किया उसने? उसका फैसला क्या था? वापस छुपा दिया। और उसने क्या फैसला किया? मैं एक काम करूंगा, अपना सारा कुछ बेच के क्यों ना इस पूरे खेत का मालिक मैं बन जाऊं। एक चॉइस है, एक फैसला है जो हमें करना है। अगले दो मिनट बड़े ध्यान से इस बात को आप सुनिएगा। परमेश्वर जिस बात की बहुत चिंता करता है, जिस बात के लिए प्रभु आज की रात भी 8 बजे का समय है, 8 बजने वाले हैं, अगर मान लो 8 बजे सत्संग खत्म हुआ, 8 बजे आप लोगों ने प्रभु का वचन 1 घंटा सुन लिया, तो जिस एक बात की प्रभु उस समय सबसे बड़ी बात की प्रभु जिस बात को देख रहा है, वो ये बात को देख रहा है कि इन लोगों ने जो वचन सुन लिया, क्या ये लोग उस वचन के अनुसार चलेंगे? इट्स अमेजिंग। ये अद्भुत बात है कि हम जानते हैं कि 8 बजे हमारे प्रभु के मन में क्या होगा। मैं आपको बता रहा हूं, 8 बजे हमारे परमेश्वर के मन में यह होगा कि वो आप में से एक एक को देखेगा और मुझे देखेगा, और परमेश्वर इस बात को नोट करेगा कि जो वचन हमने सुन लिया, क्या हम उस वचन के अनुसार चलने को तैयार हैं? जिस बात को प्रभु देखेगा वो बात यह होगा, ध्यान से सुने, उस व्यक्ति ने वो खजाना छुपा दिया और अपने गांव वापस गया और अपनी सारी संपत्ति, अपने सारे क्या बोलते हैं, संपत्ति को उसने बेच दिया, अपना नाता तोड़ लिया। सारे बोलो, अपना नाता तोड़ लिया। जिस बात को प्रभु आज देखेगा वो ये है, क्या आप परमेश्वर के राज्य को पाने के लिए, क्या आप संसार की उन सारी बातों के साथ रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार हो जिन बातों को तोड़ने पर ही उसकी प्राप्ति होगी? बहुत बार हम दोनों चीजें रखना चाहते हैं, बहुत बार हम दोनों दुनिया का आनंद उठाना चाहते हैं, हम संसारिक दुनिया का खूब आनंद उठाना चाहते हैं और हम प्रभु के सामने बड़े हाथों को खोलकर अपनी झोली भी भरवाना चाहते हैं। प्रभु इतना दयावान है कि वो लोग जो संसार का आनंद उठाना चाहते हैं और वो लोग जो प्रभु से आशीषें भी चाहते हैं, प्रभु आशीषें दे भी देता है, लेकिन क्या फायदा? लेकिन रही बात स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की, तो जब तक संसार की बातों को हम नहीं छोड़ेंगे, स्वर्ग राज्य में हमारा प्रवेश नहीं हो सकता। अभी कुछ समय के बाद आपको यह बात और अच्छे से समझ में आएगी मैं क्या बोल रहा हूं। लेकिन प्रभु इस बात की चिंता करता है, प्रभु इस बात को आपके जीवन में नोट कर रहा है, क्या आप नाते को तोड़ रहे हैं संसार के साथ? आपका जब आप वचन को सुनते हो, आपका रिस्पॉन्स क्या होता है? जब आप वचन को सुनते हो, आपका फैसला क्या होता है? यू हैव टू मेक अ चॉइस। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप आके बैठे वचन को सुने और बड़ा अच्छा लगा और वचन की तारीफ करें, अपने घर में वापस चले जाएं। परमेश्वर सटीक रूप से, स्पेसिफिकली परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से यही देखता है कि जब भी हम सत्संग आके वचन सुनते हैं, जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं, जब भी हम किसी अपने मेंटर के साथ या अपने गुरु के साथ हम जब बैठ के उससे बातें करते हैं, जब भी, जिस भी समय, जिस भी रूप में परमेश्वर का संदेश जब हम तक पहुंच जाता है, परमेश्वर सटीक रूप से हमारे जीवन में इस बात को देखता है कि उस संदेश को हम हमारे जीवन में लागू करेंगे या नहीं करेंगे। परमेश्वर इस बात की चिंता नहीं करता। आप मत सोचिए कि आप बड़े अच्छे हैं क्योंकि आपने 15 साल से आप क्रिश्चियन हैं, आप 15 साल से मसीही हैं और आपने 25 बार बाइबल पढ़ ली है। कितनी बार? मतलब 1.5 साल में आप 1 बार पूरी बाइबल पढ़ देते हो। 15 साल से आप विश्वास में हैं, 10-15 बार आप बाइबल पढ़ चुके हैं और आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे विश्वासी हैं। वो आदमी जो क्रूस पे, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ जो लटका हुआ था, वह व्यक्ति मात्र 1 घंटे के लिए विश्वासी रहा होगा, लेकिन और उस व्यक्ति ने बाइबल का एक भी पन्ना नहीं पढ़ा था। वो अपनी सारी उम्र क्या था? डाकू था। तो वो आदमी जो यीशु के साथ लटका हुआ है, उसने केवल 1 घंटे का विश्वासी जीवन जिया, वो भी क्रूस पे टंगे टंगे।
उसने बाइबल का एक भी पन्ना नहीं पढ़ा, लेकिन वो अपने मरते दम पे ये प्रार्थना कर पाया, हे मसीह मुझे याद रखना जब तू अपने राज्य में वापस आएगा। क्या परमेश्वर का राज्य हमारी लालसा है? क्या उसका राज्य हमारी तड़प है? क्या उसका राज्य हमारी प्रार्थना है? क्या उसका राज्य में प्रवेश कर पाना क्या वो हमारी तड़प, क्या वो हमारी चाहत है? क्या उसके राज्य में होने का आनंद हम महसूस करते हैं? हम दोनों दुनिया को जीना चाहते हैं, और प्रभु ऐसे लोगों को पाखंडी लोग कहता है। और अगर आप बाइबल में ध्यान से देखेंगे तो बाइबल में परमेश्वर ने पापियों से प्यार किया लेकिन पाखंडियों से नफरत की। उसने वेश्याओं को ग्रहण कर लिया लेकिन उसने धार्मिक दिखने वाले पाखंडियों के साथ नफरत की। बाइबल में एक भी ऐसा इंस्टेंस नहीं है जहां पर उस एक भी ऐसा वाक्य हम नहीं पढ़ते हैं जहां पर उसने पाखंडियों के साथ कॉम्प्रोमाइज किया हो। पापियों का वो दोस्त कहलाता है लेकिन पाखंडियों के साथ समझौता नहीं करता है। आप दोनों दुनिया का आनंद नहीं ले सकते हैं। क्या आप बोल सकते हैं मैं दोनों दुनिया का आनंद नहीं ले सकता? आप दोनों राज्य के सदस्य नहीं बन सकते? आप दोनों सदस्य, दोनों दोनों राज्य का, परमेश्वर का राज्य, शैतान का राज्य, खुदा का राज्य और संसारिकता का राज्य, दोनों के मजे ले रहे हैं। कोई खुदा को मूर्ख नहीं बना सकता। और आप मत समझे कि आप चतुराई के साथ सब कुछ बैलेंस कर रहे हैं, संतुलन करते हैं, बुद्धिमान है। वचन कहता है वो बुद्धिमानों को उनकी बुद्धि में पकड़ लेता है। इसलिए नम्र होके, दीन होके, जिन जिन चीजों के साथ अपना नाता तोड़ना है वो नाता तोड़ना पड़ेगा, तभी खुदा के राज्य की प्राप्ति हो जाएगी। सो परमेश्वर का राज्य डिमांड करता है, सारे बोलो क्या करता है, डिमांड करता है कि हम फैसला लें और अपने जीवन के लिए पर्सनल चॉइस को रखें। चौथी बात खत्म करने वाले हैं हम, द किंगडम ऑफ गॉड ब्रिंग्स जॉय। हालेलुया, प्रभु का राज्य आनंद लेके आता है। सब लोग पढ़े अपनी बाइबल में 13:44। बस मैं खत्म करने वाला हूं 5-7 मिनट में। सब लोग मेरे साथ, मेरे साथ ही हैं सब लोग? ओके, 13:44। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। ओके, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और छिपा दिया और उसके कारण आनंदित होकर, हाँ, जब उसको धन मिल गया तो उसको, उसने प्लान किया, फैसला किया, लेकिन उसके मन की हालत क्या थी, क्या थी? इन हिज जॉय, आनंद के मारे। हालेलुया, इसका मतलब परमेश्वर के राज्य में होना बोरिंग बात नहीं है। हालेलुया, यानी कि अगर आप प्रभु के राज्य में होंगे तो आपके जीवन में आनंद होगा। हालेलुया, लोग आनंद के लिए क्या कुछ नहीं करते। लोग आनंद के लिए नए नई आदतों को ट्राई करते हैं। बहुत से लोग आनंद पाने के लिए नशे को ट्राई करते हैं। बहुत से लोग आनंद पाने के लिए नई नई चीजों को ट्राई करते हैं। बहुत से लोग आनंद पाने के लिए पैसा खर्चा करके नई नई चीजों को खरीदना चाहते हैं। बहुतों को लगता है, मेरे जीवन में कुछ समय पहले तक ऐसे ही था, अगर ये फोन मेरे पास होगा तो मेरे जीवन में आनंद आ जाएगा। हम अपने जीवन के, हम कितने मूर्ख हैं, सचमुच में हम मूर्ख लोग हैं अगर हमें लगता है कि हमारे जीवन का आनंद इन इन चीजों में रखा हुआ है। कितनी बार लोग आनंद के लिए पैसा खूब खर्चा करके कपड़े खरीदते हैं कि इन कपड़ों में अच्छा लगूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, आनंद मुफ्त है। हालेलुया, सिर्फ तब अगर हम सही जगह पर जाएंगे। प्रभु के राज्य में आनंद की भरपूरी है। जोर से बोल दीजिए, प्रभु के राज्य में आनंद की भरपूरी है। 1 पीटर 8:9, पहला पत्रस, 1 पीटर 1:8-9, पहला पत्रस पहला अध्याय 8-9। तुमने तो उसे नहीं देखा तो भी तुम उससे प्रेम करते हो। लिखा है तुमने उसको नहीं देखा। कोई है जिसने यहां पे यीशु मसीह को देखा है? देखा है? कोई है यहां पे? तुमने यीशु मसीह को नहीं देखा तो भी तुम उसको प्यार करते हो। फिर, और यद्यपि तुम उसे अभी भी नहीं देखते, तुमने यीशु मसीह को नहीं देखते हो तुम,
फिर भी उस पर विश्वास करते फिर हो, भी तुम यीशु पर विश्वास करते हो और ऐसे आनंद से आनंदित होते हो, हालेलुया, और ऐसे आनंद के साथ तुम आनंदित होते हो जो वर्णन से परे है, हालेलुया। मतलब अगर आपको ऐसा आनंद चाहिए जो वर्णन से परे है, इनएक्सप्रेसिबल जॉय, ऐसा आनंद जो आप बयान नहीं कर सकते, तो वो यीशु से प्यार करने में है और यीशु पर विश्वास करने में है। साफ साफ लिखा है, और सबूत मत मांगो, प्रभु ने कहा धन्य है वो जो बिना देखे विश्वास करते हैं। तो तुम जो यीशु को नहीं देखते, यीशु को प्यार करते हो, तुम जो यीशु को नहीं देख सकते अपनी इन आंखों के द्वारा, तुम जो यीशु पे विश्वास करते हो, अगर यीशु के प्रति तुम्हारे जीवन में प्यार है, यीशु के प्रति अगर तुम्हारे जीवन में विश्वास है, तो आपके जीवन में ऐसा आनंद है जिसका आप वर्णन नहीं कर सकते। हालेलुया। लिखा है कि उसने आनंद के मारे वापस छुपा दिया और वापस जाकर सब कुछ बेच दिया। अब मैं अंतिम बात पे आ रहा हूं, लास्ट पॉइंट है। सामने देखिए, प्रभु का राज्य इस कदर लायक है कि उसे पाने के लिए सब कुछ त्यागना भी उचित होगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। उस आदमी ने क्या किया था? वो खेत में गया, उसे खजाना मिला, उसने सोचा, उसने फैसला किया, उसने धन को वापस छिपा दिया, फिर अपने पड़ोसी को बोला कि मेरे को नहीं चाहिए, तू जाके खरीद ले। ऐसा हुआ? क्या किया उसने? वापस अपने गांव में गया और अपनी सारी संपत्ति जायदाद को बेच दिया ताकि वो उस खेत को खरीद सके। परमेश्वर का राज्य इस कदर लायक है कि उसे पाने के लिए सारी चीजों के साथ अपना नाता भी हम तोड़ दें। बहुत बार प्रभु को पाने के लिए आपको बहुत सी चीजों को त्यागना पड़ेगा। अपने पुराने जीवन और अपने पाप को तो त्यागना ही पड़ेगा, बहुत बार अपने परिजनों को, अपने परिवार वालों को भी त्यागना पड़ सकता है। सब लोग आपके विश्वास की तारीफ नहीं करेंगे, सब लोग आपकी पीठ को नहीं थपथपाएंगे, शाबाश तूने चर्च जाना शुरू कर दिया है, शाबाश तू आजकल चर्च जाता है, शाबाश तूने यीशु के नाम का बपतिस्मा ले लिया है। संसार कभी भी आपकी तारीफ नहीं करेगा कि आप यीशु के नाम पर विश्वास करते हो। लेकिन अगर आप यीशु के नाम पर विश्वास करते हो, बाइबल बताती है जिस समय आप यीशु के नाम पर विश्वास करते हो, स्वर्ग आपके लिए आनंद मनाता है। लेकिन जो चैलेंज की बात है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। आपको ना केवल प्रभु को पाने के लिए संसार को त्यागना उचित होगा, लेकिन अनिवार्य होगा। इट इज नॉट ओनली गोइंग टू बी वर्थ इट, इट इज गोइंग टू बी नेसेसरी दैट यू लीव द वर्ल्ड एंड इट्स थिंग्स। नेसेसरी होगा, ये केवल ऑप्शनल नहीं है। अगर आपको प्रभु की प्राप्ति करनी है तो संसार का त्याग उसमें है। जब आप वचन को सुनोगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। लूका 14:33। इसी प्रकार तुम में से कोई मेरा चेला नहीं हो सकता, कोई भी मेरा चेला नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी सारी संपत्ति को त्याग न दे। ये संपत्ति क्या है? क्या आपको प्रभु का राज्य पाने के लिए जो जो भी आपके नाम पे खेत है, प्लॉट है, क्या आपको बेचना पड़ेगा? क्या मतलब है इसका? त्यागना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, संसार की बातों को त्यागना पड़ेगा, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है, संसार की किसी भी बातों को यीशु मसीह से बढ़कर प्रेम नहीं करना। आप लोग सोचिए, इस समय मैं आप लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा हूं, मैं खुद भी सोच रहा हूं, कौन सी वो चीज है इस संसार की जिसको आप यीशु से बढ़कर प्यार करते हो? वो चीज कुछ भी हो सकती है। यीशु ने यहां तक कह दिया, ध्यान से सुने, यीशु ने यहां तक कह दिया, अगर आप अपने पत्नी को या पति को या बच्चों को, अगर आप अपने परिवार को यीशु से ज्यादा प्रेम करते हैं, तो जरूरत है कि आप अपने परिवार को त्याग दें। कहने का मतलब, अपने परिवार को यीशु से बढ़कर ना समझें। जब यीशु पहला स्थान है, उसका मतलब यीशु पहला स्थान है परिवार में भी, रिश्तों में भी। हमेशा सबके लिए पैसा रुकावट नहीं होता, कभी कभी हमारे बच्चे हमारी रुकावट बन जाते हैं।
कभी कभी हमारे पति पत्नी, हमारे अपने संबंध, हमारे अपने सपने, हमारे अपने डिजायर्स, हमारी अपनी इच्छाएं, जब अच्छी चीज परमेश्वर का स्थान ले लेती है तो अच्छी चीज बुरी चीज बन चुकी है हमारे लिए। हमेशा पाप दूर नहीं करता, अच्छी चीजें भी हमें प्रभु से दूर करती हैं। इसीलिए मेरे एक दोस्त ने बहुत साल पहले कहा था, मैं कभी नहीं बोलता, उसने कहा, यीशु हमारे बुरे कर्मों के लिए ही नहीं, यीशु हमारे अच्छे कर्मों के लिए भी मर गया। और हम, जैसे मैंने पहले कहा, दोनों चीजों का आनंद नहीं उठा पाएंगे आप। ये आखिरी वचन को पढ़ के खत्म करेंगे, लूका 5:36-37। एकदम ध्यान से यदि ये वाला वचन सब खोल सकते हैं क्योंकि ये आखिरी वचन है, फिर हम समाप्त करने वाले हैं। लूका 5:36-37। उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा, कोई भी मनुष्य नए वस्त्र में से टुकड़े फाड़कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता। नए वस्त्र में से, नए कपड़े में से, नए थान में से एक पीस काट कर पुराने वाले कपड़े के साथ नहीं जोड़ सकते हैं, क्या हो जाएगा? अन्यथा नया तो फटेगा ही, पर पुराने वस्त्र पर भी नया पैबंद मेल नहीं खाएगा। पहली बात तो मेल नहीं खाएगा, दूसरा छिजके अलग हो जाएगा। फिर, और कोई नया दाखरस पुरानी मस्कों में नहीं भरता। नया दाखरस पुरानी थैलियों में, पुराने मस्कों में नहीं भरता है कोई भी। अन्यथा नया दाखरस मस्के फाड़कर बह जाएगा। हाँ, मस्के फाड़कर बह जाएगा और मस्के नष्ट हो जाएंगे। और मस्के भी नष्ट हो जाएंगी। क्या है? नया कपड़ा पुराने कपड़े में नहीं जोड़ा जाता, नई दाखरस पुराने मशकों में नहीं डाली जाती। मतलब पुराना जीवन और नया जीवन एक साथ नहीं चल सकता है। त्यागना जरूरी है, छोड़ना जरूरी है। उस व्यक्ति को धन मिला, उसने सब कुछ वहीं पे, जो धन मिला उसने वहीं पे छिपा दिया और गया, और उसने सब कुछ क्या कर दिया? त्याग दिया, छोड़ दिया, क्योंकि नया और पुराना मेल नहीं खा सकता, एक साथ नहीं चल सकता। आप में से ऐसे होंगे कुछ लोग यहां पे, हम में से कोई होगा ऐसे जो पुराना जीवन और नया जीवन साथ साथ जी रहे हैं, पुरानी आदतें और मसीह के जो चरित्र की बातें जो हमारे अंदर होनी चाहिए, दोनों हमारे बीच में है। हमारे जीवन में प्रेम भी दिखता है कुछ लोगों को, जिनको वो प्रेम समझते हैं, और हमारे जीवन में नफरत भी काम कर रही है। एक त्याग है हमारे जीवन में जो जरूरी है। प्रभु का राज्य खेलने वाला खिलौना नहीं है। प्रभु का राज्य देख करके तारीफ करने वाला म्यूजियम नहीं है। प्रभु का राज्य परमेश्वर के साथ एक संबंध है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात जो हमें आज सिखाई है इस वचन के द्वारा, उसमें से 5 बातें हमने सीखी हैं। सब खड़े हो जाएं और हम 2 मिनट प्रार्थना में बिताएंगे, फिर हम समाप्त करेंगे। अपनी आंखों को बंद कर लें सब लोग।